यूक्रेन और रूस के बीच आर पार की जंग जारी है। यूक्रेन के ड्रोन रूसी हवाई अड्डों को निशाना बना रहे हैं। वहीं रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल की बरसात की है। इस जंग में कौन किस पर भारी है, देखिए ये रिपोर्ट। इन हमलों ने रूस के अपने सैन्य हवाई अड्डों को और पीछे खिसकने के लिए मजबूर किया है। नतीजतन यूक्रेन पर हवाई हमलों की संख्या में भी कमी आई है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि यूक्रेनी ड्रोन्स ने मेरी नोवका एयरबेस पर काफी तबाही मचाई है। यूक्रेन का मानना है कि वो पश्चिम देशों में से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों से और अधिक मजबूत हो सकता है, लेकिन फिलहाल यूक्रेन के सहयोगियों ने उसके अनुरोध को मंजूर नहीं किया है। अमेरिका और जर्मनी में इस बात का भी डर है कि यूक्रेन को अगर ऐसे हथियार दिए गए तो उन्हें भी युद्ध में घसीटा जा सकता है। हालांकि इस डर के बावजूद पश्चिमी देश और कंपनियां यूक्रेन की मदद कर रही हैं। They want to insist on the idea that when we support Ukraine, even when we consider the possibility of targeting inside Russian territory, we are not in war with Russia. Nobody wants to be in war with Russia. We are just supporting Ukraine. But put on the shoes of the Ukrainians, you are being bombed by the Russians from a place which is out of range of your capacity, you would like to be able to fight on equal terms. This is a war that cost a lot of lives to the Ukrainians. So we have to support them more. यूक्रेन बहुत हद तक अब भी घरेलू स्तर पर बने ड्रोन ही इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन को लगता है कि युद्ध जीतने का एक ही तरीका है और वो है जंग को रूस के भीतर ले जाना। सवाल है, यूक्रेन के हमलों का जोरदार जवाब पुतिन क्यों नहीं दे रहे? पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? पुतिन कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस हमले को इतना गंभीर खतरा नहीं मानते हैं कि पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके से सैनिकों को वापस बुलाकर कुर्स्क इलाके में भेजना उचित समझे, जो उनका पहला लक्ष्य है। पुतिन का ध्यान यूक्रेन सरकार के पतन पर है, जिसके बारे में उनका मानना है कि इसके बाद किसी भी इलाके पर कब्जा अपने आप महत्वहीन हो जाएगा। 2022 में हमला शुरू करने के महीनों बाद पुतिन ने डोनेस्क, लुहांस, ज़ापोरिज़्या, खेरसोन के यूक्रेनी इलाकों को रूसी क्षेत्र के हिस्से के रूप में अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। उन इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। टेलीविजन मीटिंग में कुर्स्क हमले के बारे में पुतिन ने कहा कि ये डोनेस्क में रूसी अभियान को धीमा करने की एक चाल है। कुर्स्क में हमले की घटनाओं के बावजूद रूस तेजी से कई इलाकों में आगे बढ़ा है। यूक्रेन के चार इलाकों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुतिन ने कुर्स्क में कीव के हमले को बहुत कम महत्व देने की कोशिश की है। रूस के सरकारी मीडिया ने कुर्स्क पर हमले को कीव के आक्रामक इरादों के सबूत के रूप में पेश किया और कहा कि ये इस बात का और सबूत है कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना उचित था। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसने डोनेस्क और लुहांस्क की दो जगहों पर कब्जा कर लिया है और रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पुतिन लंबी जंग के योद्धा हैं, इसलिए दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि यूक्रेन भले ही इस वक्त रूस में घुसकर हमला करने में कामयाब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन इसे अनदेखा कर रहे हैं। पुतिन माकूल वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कीव में पिछले चार दिनों से रूस की फौज कई बार अटैक कर चुकी है। इन हमलों का एक ही मकसद है कि कीव का किला गिरा तो फिर रूस में घुसकर किए जा रहे यूक्रेन के हमलों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। आपको याद हो कि 2022 में युद्ध शुरू होने के ठीक बाद रूस की फौज, जिसमें चेचन्या का कमांडर रमजान कादिरव की सेना भी शामिल थी, कीव में घेरा डाला था, लेकिन दो महीने के घेरे में कुछ भी हासिल नहीं हुआ और रूस की फौज को यूक्रेन के दूसरे इलाकों में कूच करना पड़ा। पुतिन आगे क्या करेंगे और पुतिन किस प्लान पर काम कर रहे हैं, इसकी सटीक जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस बीच पुतिन की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह मंगोलिया का दौरा करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी का सदस्य है। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के मामले में पुतिन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है।
पुतिन कच्चे खिलाड़ी नहीं। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के बाद से ही पुतिन कई बार ऐलान कर चुके हैं कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। पुतिन के सामने युद्ध शुरू करने से पहले भी ये क्लियर था कि यूक्रेन पर हमले के बाद उनका सीधा सामना नैटो की ताकतों से होगा, जिसकी लीडरशिप अमेरिका के पास है। पुतिन के सामने ये भी तथ्य स्पष्ट था कि नैटो ज़ेलेंस्की को हथियार देगा और हर संभव मदद करेगा। बावजूद इसके पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और 2.5 सालों से कोई दिन शायद ही ऐसा हो जब रूस की फौज ने यूक्रेन पर बम नहीं गिराया। अब यूक्रेन बम गिरा रहा है तो पुतिन को चिंता तो हो रही होगी, लेकिन ये चिंता इतनी ज्यादा नहीं दिख रही कि यूक्रेन पर पुतिन अटैक बंद कर दे।